हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अजय ओझा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल में। ठीक है, चलिए तो आज हम पहुंच चुके हैं जेड केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 12 में। ठीक है, 11 लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं और आज के लेक्चर की हम शुरुआत कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण से। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको आप कहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको आप कहते हो। ठीक है, तो क्या होती है ये, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है, देखो विद्युत चुंबकीय विकिरण नाम में ही स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब दोनों मिल जाते हैं तो किसको बनाते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण को बनाते हैं। ठीक है, अब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊं, देखो तीन एक्सिस ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये तीन एक्सिस ले लिए अपन ने। अब यहां पर दो फील्ड होते हैं आपके, एक तो मैग्नेटिकल फील्ड होता है और एक इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत क्षेत्र, और एक आपका क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, कुछ इस तरीके से, है ना, एक दूसरे के लंबवत। एक दूसरे के कैसे होते हैं भाई, ये लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, लाल कलर से मैं दिखा रहा हूं सपोज आपको किसको, विद्युत क्षेत्र को, तो येलो सॉरी ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्लू कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं किसको, मैग्नेटिकल, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा हूं। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। जैसे मैं अगर आपको बताऊं ये एक्सिस है, मान के चलो ये एक्सिस है। ठीक है, तो अगर विद्युत क्षेत्र इस तरीके से जा रहा है, देखना इस तरीके से, अगर विद्युत क्षेत्र इस तरीके से जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, मतलब सांप की तरह लहराता हुआ, समझ रहे हो। मतलब अगर विद्युत क्षेत्र यूं है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, यूं है, तो एक यूं, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, 90 का। अगर एक क्षेत्र यूं है तो दूसरा क्षेत्र यूं है, दोनों के बीच का जो ये एंगल है ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। और यहां से कुछ प्रॉपर्टी आपको पूछ ली जाए तो क्या लिखोगे आप, पहली बात तो ये दोनों कैसे होते हैं लंबवत, तो इसको लिख लो, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जितनी बातें जरूरी हैं केवल उतनी ही बातें अपन लिखेंगे। ठीक है, ज्यादा अपन थ्योरी लिखेंगे नहीं। दूसरी बात यहां पर क्या जरूरी है कि देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये विकिरणें, ये विकिरणें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, अर्थात इनके संचरण हेतु, इनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब इस लाइन का मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हो, मतलब कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, कोई भी वायुमंडल नहीं चाहिए, ये आपके स्पेस में भी, निर्वात में भी, जहां भी कोई भी गैस नहीं है वहां भी ये गमन कर सकती हैं। और जैसे आपकी लाइट हो गई, तो लाइट भी एक तरीके की क्या है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय क्या है, विकिरण है। ठीक है, दूसरी बात, और इनका जो वेग होगा वो किससे मैच करेगा, प्रकाश के वेग से मैच करेगा, किससे मैच करेगा भाई, प्रकाश के वेग से। तो नेक्स्ट बात हम लिख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश के वेग से गति करती हैं, प्रकाश के वेग, और प्रकाश के वेग को किससे दिखाते हैं हम, सी से। और ये कितना होता है भाई, प्रकाश का वेग कितना होता है आपको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये प्रकाश का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश के वेग से गति करती हैं, ठीक है, प्रकाश के वेग से गति करती हैं। इतनी बातें आपको इनके लिए जानना जरूरी है। अगर आपको स्टेटमेंट जैसे निम्न में से विद्युत चुंबकीय विकिरण हेतु कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है, इस तरीके से बन जाए तो याद रखना है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र मिलाकर आपको क्या बनाते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, तीसरी बात, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, यानी इनके संचरण के लिए, इनके विचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, ये निर्वात में भी यानी अंतरिक्ष में भी ये गमन कर सकती हैं।
होती हैं। ये विकिरण प्रकाश के वेग से गति करती हैं। प्रकाश का वेग का मतलब कितना होता है, 3×10^8 मीटर पर सेकंड, ये याद रखना। इसको प्रकाश के वेग को दिखाते हैं हम किससे हैं, सी से दिखाते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ बातें और जाननी जरूरी है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की मैं बात करता हूं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। चलिए, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दृश्य क्षेत्र की सीमा बताओ, या दृश्य क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य आपको लैम्डा पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, दृश्य क्षेत्र को इंग्लिश में अपन क्या कहेंगे, विजिबल रीजन, क्या कहेंगे, विजिबल रीजन, ठीक है ना, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन क्षेत्र, ठीक है। अब दृश्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो आपकी आंखों से आपको दिखाई दे जाए, मतलब वो चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो किसके अंदर आएगी, दृश्य क्षेत्र के अंदर आएगी। आपने देखा होगा कई जगह आप कहते हो ना कि यहां तो इंफ्रारेड कैमरे लगे, IR कैमरे लगे, तो जब आपके नॉर्मल जो कैमरे हैं वो उस चीज को कैप्चर नहीं कर पाते तो IR कैमरे लगाए जाते हैं, इंफ्रारेड कैमरे लगाए जाते हैं, अंधेरों में भी जो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आपको दिखाई देगा वो किस में आएगा, दृश्य क्षेत्र में आएगा। और अगर मैं इसको बताऊं कि विजिबल रीजन कितना होता है, तो देखो ये होता है आपका कितना, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का होता है, ठीक है, कितना, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का। अब अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की, ठीक है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है भाई, लाल रंग की होती है। प्रकाश में 7 कलर होते हैं ना, विबग्योर। और सबसे कम अगर मैं बोलूं तो बैगनी रंग की, सबसे कम कौन से की भाई, बैगनी रंग की सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। अब ये तरंग दैर्ध्य क्या है, अभी मैं बताता हूं। देखो, तरंग दैर्ध्य, या हम इसको तरंग लंबाई भी कह सकते हैं, ठीक है, तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई या तरंग दैर्ध्य। अब आपको पता है जो लाल कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, लाल कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए इसलिए जितने भी खतरे के निशान है वो हम किससे बनाते हैं, लाल रंग से बनाते हैं, जिससे बहुत दूर से भी हो हमको चमक जाए, है ना, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो लाल रंग ऐसा है कि बहुत दूर से दिखाई दे जाएगा, इस वजह से जितने भी खतरे के निशान है वो सारे के सारे कौन से रंग से बनाए जाते हैं भाई, लाल रंग से बनाए जाते हैं। और इसको आपको पूछ ले कि लाल रंग की वेवलेंथ कितनी होती है, तो आप आंसर दोगे 750, और आपसे पूछ ले कि सबसे कम किसकी है, तो आप आंसर दोगे बैगनी रंग, क्योंकि आपको पता है विबग्योर, प्रकाश के 7 रंग, विबग्योर, ठीक है, VIB, ठीक है। वायलेट इंडिगो बोलते हैं आसमानी को, बैगनी ब्लू हो गया आपका नीला, ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, ये हो गए प्रकाश के आपके 7 कलर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बैनी आहा पीनाला, इंग्लिश में हो जाएगा विबग्योर, ठीक है। और आपको कुछ चीजें पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि रेडियो, रेडियो तरंग की आवृत्ति बताओ, सूक्ष्म तरंग की बताओ, माइक्रोवेव का रीजन बताओ, या आवृत्ति बताओ, ठीक है। आपको पूछ ले विजिबल रीजन की आवृत्ति बताओ, फ्रिक्वेंसी बताओ, ठीक है। तो इस तरीके की भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में बात करता हूं। पहले इतनी चीजें आप लिख लो, लिखो भाई, चलिए लिख लोगे। अब मैं यहां पर आपको कुछ फ्रीक्वेंसी भी बताता हूं, ठीक है, इनको डायरेक्ट याद रखना, एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती है, ठीक है। आपसे पूछ ले रेडियो तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, आप लगाते हो ना रेडियो, रेड FM 98.5 इस तरीके से, आकाशवाणी, तो अलग अलग स्टेशन पर आपको मिलते हैं, ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हो। तो रेडियो तरंग की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, आवृत्ति को हम दिखाते हैं किससे, न्यू से, फ्रीक्वेंसी अपन इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10^6 हर्ट्ज, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग, ठीक है, माइक्रोवेव रीजन, माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव रीजन आपका आ जाता है 10^10 हर्ट्ज, कितना आ जाता है, 10^10 हर्ट्ज, ठीक है। इसके बाद अवरक्त, अवरक्त क्षेत्र, ठीक है, अवरक्त इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड, या IR क्षेत्र भी आप शॉर्ट में इसको बोल सकते हो, अवरक्त, इंफ्रारेड, IR क्षेत्र, ये कितना होता है, 10^13 हर्ट्ज, कितना होता है भाई, 10^13 हर्ट्ज, ठीक है। इसके बाद दृश्य क्षेत्र, विजिबल रीजन, ठीक है, विजिबल रीजन,
दृश्य क्षेत्र ये कितना होता है 10^15 हर्ट्ज। ठीक है, अगर आपको लैम्बडा पूछे तो लैम्बडा की वैल्यू तो ये रही, ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू ये रही नैनोमीटर में। और अगर आपसे आवृत्ति पूछे तो आवृत्ति मैंने बता दी आपको 10^5 कितनी हो गई, 15 हर्ट्ज हो गई। ठीक है, और एक और बचा है याद रखना परावैगनी क्षेत्र, परावैगनी क्षेत्र, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रीजन। क्या बोलेंगे अपन इसको, यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, और ये कितना होता है मैं आपको बता देता हूं, 10^16 हर्ट्ज। कितना होता है, 10^16 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। आपसे पूछ ले रेडियो तरंग की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप बताओगे 10^6 हर्ट्ज। आपसे पूछ ले माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म की कितनी है, 10^10। आपसे पूछ ले इंफ्रारेड तो 10^13। दृश्य पूछ ले 15, परावैगनी पूछ ले 10^16। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बताई है, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है, इस वजह से इनको आप लिख लो, इनको याद रखेंगे अपन। ठीक है, फिर आगे की बात करता हूं, लिखो इनको। ठीक है, बोर्ड पे वही चीज मिलेंगी आपको जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन सही करवाए। ठीक है, यहां मैं उन चीजों पे फोकस कर रहा हूं जो आपको एग्जाम के अंदर 4 नंबर दिलाएं। जब आप हॉल में बैठो तो जो यहां से आपको पढ़ने को मिल रहा है एग्जैक्ट आपको वहां से क्वेश्चन मिले। ठीक है, मैं बहुत पूरा मटेरियल आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मुझे जो जरूरी लग रहा है या एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उतनी बातें मैं आपको यहां बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको टॉपिक बहुत डिटेल से पढ़ना है, अगर आप एग्जाम के लिए नहीं, आप ऐसे नॉलेज के लिए बहुत डिटेल से पढ़ रहे हो, तो मैंने इन सब के बहुत डिटेल वीडियो बना रखे हैं क्लास 11th के। ठीक है, आप क्लास 11th प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां से इनको बहुत डिटेल से आप पढ़ सकते हो। यहां मैं केवल और केवल फोकस कर रहा हूं जेट के हिसाब से कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है और बच्चा आंसर किस तरीके से दे सकता है, उतनी बातें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, तो इतनी चीजें लिखो, फिर आगे की बात करता हूं। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं और इन फॉर्मूलों को आप डायरेक्ट याद रखना, ये अपन को आगे भी काम में आएंगे। ठीक है ना, जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे कुछ फॉर्मूले बताता हूं, देखना। चलिए कुछ फॉर्मूले जो डायरेक्ट अपन याद रखेंगे, चलिए कुछ फॉर्मूले जो अपन डायरेक्ट याद रखेंगे। फॉर्मूलाज नंबर 1, सबसे पहले मैं आवृत्ति से ले रहा हूं। ठीक है, आवृत्ति जिसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, सी बराबर अभी अभी आपको बताया प्रकाश का वेग, लैम्बडा बराबर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य या तरंग लंबाई। ठीक है, सी इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। अब यहां से दूसरा फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्बडा को इधर कर्ण गुणा कर दूं तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू, न्यू नीचे आ जाएगा, लैम्बडा इधर गया। और तीसरा फॉर्मूला यहां से क्या बना सकता हूं भाई, न्यू को इधर भेज दूं, ठीक है, कर्ण गुणा कर दूं तो सी बराबर क्या हो जाएगा, न्यू लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है, चौथा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला देखना, तरंग संख्या वेव नंबर। ठीक है, तरंग संख्या, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेव नंबर, ये क्या होता है, न्यू बार, इसको हम किससे दिखाते हैं, न्यू बार से। और न्यू बार बराबर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम यानी 1/λ, ये होता है आपका किसका फॉर्मूला, तरंग संख्या का, वेव नंबर का फॉर्मूला। ये हो गया आपका आवृत्ति का, फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, चलिए और मैं आगे, अब लैम्बडा की वैल्यू उठा के यहां पे रख दूं, अगर लैम्बडा की वैल्यू उठा के यहां पे रख दूं तो आपको पता है सी कहां आएगा, नीचे, और न्यू कहां चला जाएगा, ऊपर। तो यहां से मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, न्यू बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सी आ जाएगा नीचे और न्यू कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। अरे ऐसे लिखते ना, सी अपॉन न्यू, तो न्यू कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा न्यू अपॉन सी। यहां से एक फॉर्मूला ये भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, और बात करता हूं कुछ फॉर्मूलों की, लिखेंगे अपन इनको। चलिए अब एक और देखिए, आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल, आवर्तकाल को हम किससे दिखाते हैं, टी से, और ये आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है यानी 1/ν, आवृत्ति इसके नीचे आ जाएगी। अब आप आवृत्ति रखोगे तो आपको पता है नीचे क्या रह जाएगा, सी, ऊपर क्या पहुंच जाएगा, लैम्बडा, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक मैन मैन फॉर्मूले बता देता हूं। चलिए और दो फॉर्मूले और याद रखना, कौन कौन से, जैसे पहला फॉर्मूला आप याद रखना, प्लांक, प्लांक का, प्लांक इक्वेशन मैं लिख देता हूं, प्लांक समीकरण क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है,
अभी सबके मान लिखा दूंगा यहां पर क्या है। H बराबर होता है प्लांक स्थिरांक, H बराबर क्या होता है प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी लिखा देता हूं 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड, या अर्ग में लिखनी है तो 6.62 × 10⁻²⁷ अर्ग सेकंड, क्योंकि जूल बराबर क्या होता है 10⁻⁷ + 7 अर्ग होता है। ठीक है, और एक और आइंस्टीन समीकरण और नंबर 7 आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है भाई, E=mc²। आपको पता है m तो क्या हो गया यहां पर द्रव्यमान, m तो क्या हो गया मास, मास का मतलब द्रव्यमान, और c बराबर क्या हो गया प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये प्रकाश का वेग हो गया। और कुछ जिसका मान हमने नहीं लिखा हो, न्यू आवृत्ति हो गई, सी हो गई, लैम्डा बराबर क्या होता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, या जिसको हम और क्या कह सकते हैं तरंग लंबाई, क्या कह सकते हैं भाई तरंग लंबाई, इंग्लिश में क्या कहेंगे वेव लेंथ, LENGTH। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे वेव लेंथ, जिसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट नैनोमीटर, एंगस्ट्रम या आपको पाइकोमीटर में भी मिल सकती है। एंगस्ट्रम बराबर याद रखना, एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻¹⁰ मीटर। पिकोमीटर याद रखना 10⁻¹² मीटर। वैसे पहले चैप्टर में हम इन चीज को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतने फॉर्मूले लिखो फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, कर लोगे? अब यहां से रिलेटेड आपको कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को और समझ लो। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आपने वेव कुछ इस तरीके से वेव बनती है, ठीक है ना, आपकी यहां मैं मान के चलो इस एक्सेस पर वेव बना रहा हूं, तो कुछ ये वेव आपकी बनेगी। ठीक है, इस ऊपर को जो आता है इसको हम बोलते हैं श्रृंग, जो नीचे आता है हम इसको बोलते हैं गर्त। ठीक है, ये हो गया श्रृंग ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा हो गया गर्त। ठीक है, तो ये जो दो श्रृंग हैं, जो दो बराबर के जो श्रृंग हैं, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं तरंग दैर्ध्य। यानी दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को, बीच की लंबाई को हम क्या कहते हैं तरंग लंबाई कहते हैं, जिसको हम लैम्डा से दिखाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको देखना, क्वेश्चन कैसे मिलेगा देखना, देखो यहां क्वेश्चन लिखता हूं मैं, किसी कण की आवृत्ति, आवृत्ति को किससे दिखाएंगे न्यू से। ठीक है, न्यू आधा न यू, न्यू से, इसकी यूनिट भी लिख लो। आवृत्ति की यूनिट क्या होती है, या तो सेकंड इनवर्स, या मैं पहले भी बता चुका हूं वैसे तो, और या आप सेकंड इनवर्स को और किससे दिखा सकते हो, हर्ट्ज से दिखा सकते हो। किसी कण की आवृत्ति, और आवृत्ति आपको दे रखी है 2.8 × 10⁻¹² सेकंड इनवर्स है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक है, आपको क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और पूछ रहा है कि आपसे इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक है, तरंग दैर्ध्य आपको बतानी है। ठीक है, चलिए तो हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है। तरंग दैर्ध्य पूछ रखी है, लैम्डा पूछ रखा है, तो लैम्डा वाला फॉर्मूला हमारे पास है लैम्डा बराबर सी अपॉन क्या है न्यू, हमारे पास क्या है भाई सी अपॉन न्यू। चलो इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, यहां मैं केवल सेक 2 लिख देता हूं, ठीक है ना, कैलकुलेशन में हमको आसानी रहेगी। तो सी बराबर होता है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बटे न्यू, आवृत्ति दे रखी है आपको, बिल्कुल दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 × 10⁻⁸ सेकंड इनवर्स। तो मैं इसको लिख देता हूं 2 × 10⁻⁸, और नीचे क्या है सेकंड इनवर्स। अब आप सभी को पता है कि सेकंड इनवर्स से तो क्या कट जाएगा, सेकंड इनवर्स यानी आंसर हमको किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। ठीक है ना, अब देखो यहां नीचे क्या है माइनस का आठ जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का आठ हो जाएगा, और आपको पता है 1 + 8 ऑलरेडी बैठा है, तो 8 और 8 जुड़ के कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं 3/2 × 10⁻¹ कितना हो गया 16 मीटर। ठीक है, 3/2 यानी 1.5 × 10⁻¹⁶ मीटर। ये हमारी क्या आ गई भाई तरंग दैर्ध्य आ गई। इस तरीके से आपको कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को, फिर आगे हम चलते हैं हमारे मेन पॉइंट पर बोर मॉडल के पास। ठीक है, लिखो पहले इसको, मिटा दूं। चलिए तो अब हेडिंग लगाओगे आप बोर मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट,
हर साल यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बोर मॉडल से, चाहे मैं आईसीआर की बात करूं चाहे मैं जेट की बात करूं, एक क्वेश्चन तो आपका बोर मॉडल से पक्का पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, एक एक बातों को समझते हुए चलिएगा। चलिए हेडिंग लगाओ सबसे पहले बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल जो हमारा मॉडल नंबर कौन सा है भाई, तीसरा। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल जो किसने दिया, नील्स बोर ने दिया। पूरे साइंटिस्ट का अगर मैं नाम बोलूं तो नील्स बोर। ठीक है, तो इस मॉडल की प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, पहला पास्टुलेट लिखता हूं मैं, इसकी पहली अवधारणा लिखता हूं। यह मॉडल उन सभी तत्वों के लिए है, उन सभी तत्वों के लिए है जिनमें हाइड्रोजन के समान एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। क्या बोला भाई, कि उन सभी के लिए यह मॉडल दिया जा सकता है जिसमें हाइड्रोजन के समान एक इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। यानी अगर मैं एक लाइन में कहूं तो यह मोनो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है, यानी जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक को हम क्या बोलते हैं, मोनो। तो जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है उन सभी के लिए हम कौन से मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं, बोर मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखूं तो एक इलेक्ट्रॉन किस किस में हो सकता है, आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन में हो सकता है, और किस में हो सकता है, Hc+ में। भाई दो होता है इसका परमाणु क्रमांक, मैंने बताया प्लस आया, तब क्या कर देना इलेक्ट्रॉन के लिए, घटा देना। तो दो में से एक गया, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक। इसके बाद Li2+, लिथियम कितना होता है, तीन। तो तीन में से दो गए तो कितना बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन। यानी Li+ के लिए भी हम Li+2 के लिए भी दे सकते हैं, Be+3 के लिए भी दे सकते हैं। क्या बताओ भाई, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, चार। तो चार में से कितने घटाओगे, तीन। चार में से तीन गए फिर भी कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन। यानी इन सभी के लिए क्या दिया जा सकता है, बोर मॉडल दिया जा सकता है। तो पहला ही क्वेश्चन आपको बन जाए इस तरीके से, एबसद में निम्न में से किस तत्व या आयन के लिए बोर मॉडल दिया जा सकता है, तो आपको क्या चेक करना है, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। इस बात को पकड़ के बैठ जाना, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार पथ में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है जिसे क्या कहेंगे, कोश, कक्ष, कक्षा। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो सबको क्या कह देंगे, ऑर्बिट, या ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में क्या करता है भाई, चक्कर लगाता है। ठीक है, लेकिन यहां इन्होंने एक बात और ऐड करी है, याद रखें। ठीक है, निश्चित वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, ऐसा नहीं कि हर एक ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, कुछ फिक्स ऑर्बिट ही ऐसी है, उन्हीं के अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा। ठीक है, और उनको क्या बोलना है, कोश बोल दो, कक्ष बोल दो, कक्षा बोल दो, इंग्लिश में ऑर्बिट, या ऊर्जा स्तर जिसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और इसको हम किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। ठीक है, ऊर्जा स्तर को किससे दिखाते हैं, एन से। जैसे मैं आपको बोलूं कि इन्होंने कोश को क्या नाम दिया, इन्होंने कोश को नाम दिया था के एल एम एन। ठीक है, तो यहां एन बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा स्तर में आपको बताऊं, एन बराबर एक पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से कहां तक चलते जाएंगे भाई, अनंत तक चलते जाएंगे। कहां तक चलते जाएंगे, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां एन बराबर के लिए मान रखूंगा एक, एल के लिए दो, तीन, चार, और अगर आगे आपको और बोल दे के ओ कक्षा के लिए, तो ओ के लिए कितना हो जाएगा, पांच, के एल एम एन ओ पी। आपको बोल दे पी कक्षा के लिए, तो पी के लिए कितना हो जाएगा, छह। इस तरीके से चलता जाएगा भाई। ठीक है, तो ये याद रखना, कहीं भी आपको बोल दे के एल कक्ष के लिए, आपको दे दे कैपिटल एल कक्ष के लिए, तो ये आपको समझ जाना है कि अगर एल के लिए बोला है तो एन का मान कितना होगा, दो होगा। आपको बोल दे कैपिटल एम कक्ष के लिए, तो सीधा समझ जाना एन का मान
मान कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, हर एक लाइन मैं क्या बोल रहा हूं, हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन बनेगा। अब मैं इसका अगर आपको डायग्राम बना के बताऊं तो देखो डायग्राम हम इसका देखते हैं। ठीक है, देखना, यह आपका नाभिक और यह आपके एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये एनर्जी लेवल है आपके। ठीक है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया भाई, के एल एम एन। और अगर मैं एन बराबर लिखूं तो क्या लिखूंगा, एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। और इनमें चक्कर कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है भाई इनमें चक्कर, इनमें चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, है ना। तो मैं आपको लिख देता हूं इसमें, जैसे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगला पास्टुलेट क्या है, अगला जो इनका कॉन्सेप्ट है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, ये बोलते हैं, बोर बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये निम्न ऊर्जा स्तर में भी आ सकता है, ये आपका उच्च ऊर्जा स्तर में भी जा सकता है। रदरफोर्ड ने इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी, रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था नाभिक को, उसने कुछ नहीं बोला कि लोएस्ट एनर्जी में आएगा हायर में जाएगा। लेकिन बोर क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन आपका निम्न ऊर्जा स्तर में भी आ सकता है और उच्च ऊर्जा स्तर में भी जा सकता है, बशर्ते यहां पर एक कंडीशन है कि अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो अपने अंदर की एनर्जी को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। अरे भाई सीधी सी बात है, आपको भी निचले माले से 20वें माले पे चढ़ना है तो आपके शरीर में क्या होनी चाहिए, एनर्जी, तभी तो चढ़ पाओगे ना, तभी तो चढ़ पाओगे भाई 20वीं मंजिल पे। और अगर आपको 20वीं मंजिल से कोई नीचे फेंक दे तो आपके अंदर का सारा मसाला बाहर, कहने का मतलब जो एनर्जी थी वो सारी कैसी हो जाएगी, उत्सर्जित। तो कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगला पॉइंट मैं लिख देता हूं, यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है व उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपका नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। अगर नीचे आया ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आया तो एनर्जी को उत्सर्जित करेगा, और ये अगर हायर एनर्जी स्टेट में गया तो एनर्जी को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो हम कहता है इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ है। ठीक है ना, उत्तेजित होगा तो लोएस्ट एनर्जी लेवल से कहां जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में। जैसे मैं कहूं प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या है, एन बराबर 0 तो होता ही नहीं है, एन बराबर 0 तो कोई एनर्जी लेवल होता ही नहीं है। अगर मैंने आपको एक वर्ड कहा, याद रखना इस चीज को, प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एन बराबर 1 से कहां गया है, एन बराबर 2 में, समझ गए, ये हो गई प्रथम उत्तेजित अवस्था। मैं कहूं द्वितीयक उत्तेजित अवस्था, मैंने क्या कहा, द्वितीयक उत्तेजित अवस्था। ठीक है, उत्तेजित अवस्था, तो इसका मतलब क्या है बताओ भाई, कि n बराबर 2 से इलेक्ट्रॉन कहां गया, n बराबर 3 पर। ठीक है, ये हो गई आपकी द्वितीयक उत्तेजित अवस्था। तो प्रथम में 2 में आया, द्वितीय में 2 से कहां गया, 3 में गया। इस तरीके से आप बढ़ाते हुए चले जाओगे, समझ गए बात को। चलिए अब मैं आगे लिखता हूं आपके लिए नेक्स्ट, इसकी अवधारणा नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, ये पॉइंट आपने सबने लिख लिए होंगे। चलिए पॉइंट नंबर 4, तो यहां पे हमने देखा कि किसी निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करता है तो वो कौन से निश्चित कक्षाएं होंगी, उनके बारे में अगली अवधारणा आ रही है आपके सामने। ठीक है, लिखता हूं पॉइंट नंबर 4, देखो, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिनके कोणीय संवेग
जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, थोड़ी फिजिक्स की टर्म है, आपको दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बनेगा। जिनके कोणीय संवेग का मान एनएच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज हो, यानी जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों में, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनके कोणीय संवेग का मान किसका टोटल मल्टीपल हो, एनएच अपॉन टू पाई का क्या हो, पूर्ण गुणज हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं। अब यहां से आपको जेड क्वेश्चन पूछ चुका है, अब क्वेश्चन किस तरीके का था वो मैं आपको लिखाता हूं। कब पूछा था, पूछा था आपको जेट ने 2014 में, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, देखो जेट 2014 क्वेश्चन देखो, बोर परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु के चौथे कक्ष के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से, कि बोर परमाणु प्रतिरूप है और इसके चौथे कक्ष के इलेक्ट्रॉन का क्या पूछ रहा है आपसे, कोणीय संवेग पूछ रहा है, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। मैं ऑप्शन भी आपके लिए लिख देता हूं, आप खुद से करके बताना। देखें एच अपॉन टू पाई, ठीक है, बी बराबर क्या है, टू एच अपॉन पाई, सी बराबर ऑप्शन दे रखा है आपको 3H अपॉन पाई, और आपको ऑप्शन डी दे रखा है, यहीं लिख देता हूं चलो 4H अपॉन पाई। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो आपको यहां पर पहले, सबसे पहले हाईलाइट किस पॉइंट को करना है, सबसे पहले कक्ष को देखो, कक्ष कौन सा दे रखा है आपको, चौथा कक्ष। भाई बताओ कौन सा कक्ष दे रखा है आपको, चौथा कक्ष। तो चौथे कक्ष का मतलब क्या है, n बराबर कितना हो गया, 4। तो हाँ, यहां मैं सीधा लिख लेता हूं, चौथे कक्ष का मतलब n बराबर कितना हो गया, 4। और मुझे n का मान ही चाहिए, क्योंकि कोणीय संवेग तो मुझे पता है, कोणीय संवेग किसका पूर्ण गुणज होता है, nh अपॉन 2 पाई का। ठीक है, तो मैं यहां पहले एक चीज लिख देता हूं, कोणीय संवेग। देखो ऊपर आप पहले लिखोगे कोणीय संवेग, और कोणीय संवेग क्या होता है, एम वी आर, मास वेलोसिटी और रेडियस, एम वी आर। ठीक है, MVR, ठीक है, ये किसके बराबर, NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, NH अपॉन 2 पाई के बराबर, और H बराबर आपको मैंने बता ही दिया, प्लैंक कांस्टेंट, पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 3.14। पाई की वैल्यू कितनी होती है, रखते थे ना हम 10वीं क्लास में, लिख देता हूं 22/7 या 3.14। ठीक है, तो यहां पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कोणीय संवेग MVR बराबर कितना होता है बताओ, कितना होता है, कोणीय संवेग बराबर होता है NH अपॉन 2 पाई। तो N की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 4, तो N की जगह मैं कितना रख देता हूं, 4। अब 2 से मुझे बताओ 4 कितनी बार गया, 2 बार, तो यहां पे क्या आया, 2H अपॉन पाई। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, 2H अपॉन पाई, यानी ऑप्शन बी हमारा हो गया यहां पे करेक्ट। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अगर आपको यह पता था NH अपॉन 2 पाई, N का मान आपको दे रखा है चौथा कक्ष, आंसर आपका 4 नंबर आपके पक्के। ठीक है, लिख लो भाई इस क्वेश्चन को, कर लोगे, बोलो भाई। अब इस तरीके से आपको बोल दे, प्रथम कक्ष के लिए बताओ, द्वितीय कक्ष के लिए बताओ, तृतीय के लिए, चतुर्थ के लिए, तो सबके लिए आप निकाल सकते हो, निकाल दोगे ना, बोलो भाई। अगर मैं बोलूं प्रथम कक्ष के लिए बताओ, तो क्या रखते आप, n की जगह क्या रखते, 1, तो आपका आ जाता NH अपॉन 2 पाई। आपको n की जगह क्या रखना पड़ता, 1, तो यहां से आपको क्या मिल जाता, एच अपॉन 2 पाई। ये तो प्रथम कक्ष के लिए। आपको बोल देता दूसरे कक्ष के लिए, तो एन की जगह में क्या रखता, 2, तो 2H अपॉन 2 पाई, तो 2 से 2 कट जाता, क्या आता, एच अपॉन पाई। आपको बोल देता तीसरे कक्ष के लिए, तो n बराबर क्या रखते, 3, तो हमारा क्या आ जाता, 3h अपॉन 2 पाई, ये हमारा आ जाता। ठीक है, चौथे कक्ष के लिए हमने निकाल ही लिया 2h अपॉन पाई। कोई सा भी कक्ष बोल दे, n का मान रखना, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिटा दें, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट पास्टुलेट, अगली बात देखो, हाँ
हर एक पॉइंट इसका काम का है, ठीक है ना, बोर मॉडल का। बड़े ध्यान से एक एक चीजों को याद करना है आपको, ठीक है। केवल समझने से काम नहीं चलेगा, बातें तो समझ लोगे, है ना, लेकिन एग्जाम हॉल में वही कर पाएगा जिसको ये फॉर्मूले वगैरह क्या होंगे, याद होंगे, ठीक है। चीजों को समझ कर उसको याद करना है अपन को। चलिए आगे चलता हूं, नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल किसके समान होता है? अपकेंद्रीय बल के समान होता है, ठीक है। कोई भी चीज जब वृत्ताकार पथ में गति कर रही है तो वहां पर दो चीजें काम करेंगी आपकी, एक तो अभिकेंद्रीय बल जो आपका परिधि से केंद्र की ओर, और एक अपकेंद्रीय जो आपका केंद्र से परिधि की ओर लगेगा, ठीक है। दो तरीके के फोर्स लगेंगे तभी जाके वो निश्चित ऑर्बिट में रहेगा, अन्यथा वो आपका निश्चित ऑर्बिट में नहीं रहेगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आपका कैसा है भाई, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो मतलब वहां पर अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के बराबर हो सकते हैं। इसको मैं एक नाम और दे सकता हूं, या तो मैं स्थिर आकर्षण बल कह सकता हूं, स्थिर आकर्षण बल, या क्या कह, या और क्या कह सकता हूं, कूलामिक आकर्षण बल। कूलामिक आकर्षण बल किसके बराबर होता है? अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, ये भी मैं कह सकता हूं, ठीक है। और ये आकर्षण बल क्या होता है भाई, कूलामिक आकर्षण बल क्या होता है, आप सभी को पता है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, कूलामिक आकर्षण बल कहेंगे, या हम इसको क्या कह सकते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी कह सकते हैं। ये किसके बराबर होता है तो इसके बारे में देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये होता है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहां एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो आर से एक आर कट जाएगा, तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला आपका निकल के आएगा, ठीक है। जेड बराबर क्या है, आप सभी को पता है, जेड बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक। ई बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए मैंने आपको वैल्यू भी बता दी थी, कूलाम में भी और ईएसयू में भी बताई थी। ईएसयू में मान कितना होता है बताओ, 4.8 × 10⁻¹⁰ ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टेटिक यूनिट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लिखो अगले को, एम वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। चलिए चौथा पास्टुलेट हो गया, पांचवे की बात करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा, निम्न में से बोर मॉडल के लिए कौन सा कथन सही है, या कौन सा बिंदु सही है, ठीक है। तो ये सारे बिंदु आपको मिल जाएंगे स्टेटमेंट में। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन, ठीक है। बोर कक्ष में, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन। बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन, या मैं सूत्र लिख देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, 2.18 × 10⁸ जेड अपॉन एन सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वेग का, ठीक है। अब आपको पूरा डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला नहीं निकालना, मैं फिर कह चुका हूं, यहां उन्हीं पॉइंटों को बताऊंगा जहां से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। डिटेल से देखना है, पूरी वीडियो बना रखी है, कैसे ये आया सब कुछ बता रखा है, चाहिए तो वो देख लो, 11वीं क्लास में आपको लेक्चर नंबर 8 में मिल जाएगा, 11वीं क्लास के लेक्चर नंबर 8 में कैसे ये फॉर्मूला आया आपको पूरा बता रखा है। लेकिन मैंने क्या कहा, आपको वो चीज पढ़नी है जिससे आप क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। यहां हमको बहुत सारा मटेरियल हमको नहीं रखना, हमको वो बातें देखनी है, वो बातें याद करनी है जहां से हमारा क्वेश्चन हो पाए। एक बार हम टेस्ट फाइट कर लें, एक बार अच्छे से हम सिलेक्शन ले लें, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन ले लें, बहुत हमारे पास टाइम है, हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहला हमारा काम है सिलेक्शन लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम, अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन का वेग मैंने बता दिया, यहां से मैं कह सकता हूं ये वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है, बदलेगी नहीं, ठीक है ना। तो यहां से एक चीज मैं कह सकता हूं कि जो वी है आपका, जो वेग है, वेलोसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एन के, कह सकता हूं इस बात को। अब यहां से एक चीज मैं कह सकता हूं कि अगर जब z कांस्टेंट हो, जब z स्थिर हो, तो अगर n बढ़ेगा तो v घटेगा। n बराबर क्या है, कोश, ठीक है, या ऊर्जा स्तर। अगर कोश बढ़ेगा, कोश की संख्या बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा, सीधी बात है। आप एक हाथ में लेके, एक आपने वो
बचपन में बहुत किया होगा, ठीक है ना, आपने एक पत्थर धागे से बांधा होगा और उसको यूं यूं घुमाया होगा, तो धागा जितना लंबा होगा, धागा जितना लंबा होगा उस पत्थर का वेग उतना ही कैसा होगा, स्लो होगा, होगा कि नहीं होगा, और धागा जितना छोटा होगा तो वो फटाफट घूमेगा कि नहीं घूमेगा, अरे घूमेगा ना, धागा जितना लंबा पत्थर उतना ही कैसा घूमेगा भाई, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी, और धागा जितना छोटा पत्थर उतना ही तेज घूमेगा, समझ गए बात को। यानी अगर मैं कहूं कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपकी एनर्जी लेवल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन यहां है तो इसका वेग कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, एन बढ़ेगा तो वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। चलिए मैं यहां से दो बातें कह सकता हूं, यदि Z स्थिर हो तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल N, N कोश की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का वेग कैसा होगा, घटेगा, ठीक है, समझ गए। और दूसरा पॉइंट क्या कह सकता हूं कि अगर N कांस्टेंट हो, यदि एन स्थिर हो तो मुझे बता दो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, जेड के, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, और जेड बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक, अर्थात जेड परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, समझ गए इस बात को। ये हमारी दो बातें हो गई इलेक्ट्रॉन के वेग को लेकर। अब बात आती है आपकी इलेक्ट्रॉन की यानी बोर त्रिज्या को लेकर, ठीक है ना। अब हम इस परमाणु की क्या देखेंगे, त्रिज्या से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोर त्रिज्या, तो पहले इसको लिख लो फिर मैं बात करता हूं बोर त्रिज्या की। चलिए अब बात करते हैं हम बोर कक्ष की त्रिज्या का, और इसके लिए तो मैं भाई क्या कहूं, जेड का तो यह समझ लो बिल्कुल पसंदीदा टॉपिक है, तो त्रिज्या है। अगर बोर मॉडल में भी मैं एक स्पेसिफिक चीज की बात करूं तो त्रिज्या से कई बार क्वेश्चन आया, आईसीआर में भी क्वेश्चन आया है, जेट में भी क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं, मैं यहां पे ही चेंज कर दूं, बोर कक्ष की त्रिज्या का, बोर कक्ष की त्रिज्या का परिकलन, ठीक है, बोर कक्ष की त्रिज्या, और त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, रेडियस आर, तो रेडियस का सूत्र बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना इसको डायरेक्ट, R बराबर 0.529 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम, ठीक है, और एंगस्ट्रम बराबर आपको पता है, एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10^-10 मीटर, और अगर पिकोमीटर में आएगा तो 10^-12 मीटर, ठीक है। अगर यही फॉर्मूला पिकोमीटर में दे रखा होता तो आपको पता है पिको का मतलब 12, यानी दशमलव को दो स्थान में कहां खिसकाऊंगा, दाईं तरफ, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 52.9 गुणा एन स्क्वायर बटे जेड, अब यहां पर क्या लिख दूंगा, पिकोमीटर लिख दूंगा, ठीक है। तो कोई एक ही फॉर्मूला याद रखो, वो तो कन्वर्जन है जो आप कर ही लोगे, मैंने पहले यूनिट में आपको बता रखा है अच्छे से। चलिए अब ये हो गया फॉर्मूला, अब फॉर्मूले को देखकर आप एक बात कह सकते हो, ये 52.9 वगैरह तो कांस्टेंट है, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, R समानुपाती n स्क्वायर अपॉन z कह सकता हूं, और अगर n कांस्टेंट है, दो पॉइंट बनेंगे, यदि n बराबर स्थिर हो तो n आपका कांस्टेंट है, तो बचा क्या, बचा क्या, R समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/z, z है भाई ये परमाणु क्रमांक, ठीक है, दो मत समझ लेना, z है, z क्या है, ये z है, ठीक है। तो z बढ़ने पर R कैसा होगा, कम होगा, तो मैं कह सकता हूं z बढ़ने पर R घटेगा, ठीक है, z बढ़ेगा तो R यहां पर घट जाएगा। दूसरी कंडीशन, यदि Z बराबर स्थिर हो तो R समानुपाती n स्क्वायर, तो n बढ़ने पर ये बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, n बढ़ने पर R का मान बढ़ेगा, और वैसे भी पता है ना आपको, ये रहा आपका नाभिक, ये n बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो मुझे बताओ ये त्रिज्या भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अरे भैया जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है, त्रिज्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, तो मैं कह सकता हूं n का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी, और अगर n कांस्टेंट हो तो z बढ़ने पर आपका r कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो मैंने मोटी मोटी बात बताई, इसको लिखो फिर क्वेश्चन लिखता हूं, यहां पे पहले इन बातों को लिखो फिर क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, वीडियो को रोक के लिख लो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं इधर। चलिए
क्वेश्चन लिखूं? चलिए देखो क्वेश्चन लेते हैं भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। देखना भाई, जेट 2016, ठीक है। चलिए जेट 2016 कैसा क्वेश्चन, देखो सारा डर भय यही निकाल देंगे हम, ठीक है। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे मेन मेन टॉपिक हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमसे बचेगा नहीं, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? हाइड्रोजन अणु की द्वितीय बोर त्रिज्या है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 529 एंगस्ट्रॉम दूसरा दे रखा था आपको, दूसरा ऑप्शन चलो मैं यहां नीचे लिख देता हूं, ऑप्शन बी 3.125 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी दे रखा था 2.116 एंगस्ट्रॉम और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 4.2 एंगस्ट्रॉम, ये आपको दे रखा था, ठीक है। चलिए खुद से करके देखना एक बार, फिर आंसर देखना। तो त्रिज्या आपको पूछ ली, बोर त्रिज्या, सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, कब, जब वैल्यू आपको किस में दे रखी हो, एंगस्ट्रॉम में, और आपको जब पाइकोमीटर में दे रखी हो तो 52.9 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। नैनोमीटर में दे रखी हो तो वो तो आप चेंज कर लोगे ना, मैंने कन्वर्ट करवाना आपको, यूनिट पहली में बता रखा है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है कि क्रम से लेक्चर को देखो, पिछली चीजें हमको आगे भी काम में आती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए तो हम यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, आर बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर, अब आपको एन दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, द्वितीय कक्ष का मतलब क्वेश्चन में आपको एन बराबर कितना दे रखा है, दो, तो एन का स्क्वायर करना है तो मैं दो का क्या कर देता हूं, स्क्वायर, बटे नीचे जेड, जेड बराबर क्या होता है बताओ भाई, जेड बराबर होता है परमाणु क्रमांक, और कौन सा परमाणु दे रखा है, हाइड्रोजन, कौन सा दे रखा है, हाइड्रोजन। एक बात और, कभी भी बोर मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आपको परमाणु ना दे रखा हो, सपोज उसने क्वेश्चन में परमाणु नहीं दिया, तो आप Z बराबर हमेशा क्या रखना, एक, क्या रखोगे, हमेशा एक, ठीक है, समझ गए। अगर उसने नहीं बोला कि भैया परमाणु कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि आपको Z बराबर एक लेना है, क्योंकि ये सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए ही दिया गया था, ठीक है। चलिए तो Z बराबर आपको पता है हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है, एक होता है, तो मैं नीचे एक रख दूंगा, आप एक रखो या मत रखो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, आर बराबर 0.529, दो दूनी कितना होता है, चार, नौ चौका 36, तीन, चार दूनी आठ, आठ और तीन कितने, 11, एक, हासिल लगी एक, पांच चार 20 और एक 21, यानी कितना आया 2.116। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, क्या कोई ऑप्शन मिल रहा है, क्या भाई, बिल्कुल मिल रहा है, कौन सा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो द्वितीय बोर त्रिज्या आपकी ये हो गई। अब इसी तरीके से मान के चलो वो प्रथम बोर त्रिज्या पूछ लेता, प्रथम पूछ लेता तो मैं यहां लिख देता हूं, चलो एक बार ये तो हमारे लिए कौन सी हो गई, द्वितीय, ये तो हमारे लिए हो गई R2। मान के चलो प्रथम पूछ लेता तो मैं लिख देता कितना, 0.529 इंटू एक का स्क्वायर, और नीचे हाइड्रोजन के लिए आपको पता है ये एक रखना था, तो यहां तो कितना आ जाता, 0.529 एंगस्ट्रॉम एक के लिए आ जाता, दूसरे के लिए आपको निकाल ही ली। सपोज तीसरी कक्षा के लिए पूछ लेता, तीसरी के लिए पूछ लेता, तो मैं क्या लिखता, 0.529 इंटू तीन का स्क्वायर, बटे नीचे जेड की जगह एक रखता, अब तीन का स्क्वायर आपको पता है नौ आता, तो कितना रखता, 0.529 इंटू नौ, जो भी आता वो आपका एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाता गुणा करने के बाद, समझ गए, इस तरीके से कर लोगे। हाँ एक चीज और, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, मिटा दूं, चलिए इसी क्वेश्चन को बदल रहा हूं, ठीक है। देखो मैंने हाइड्रोजन के लिए जगह लिख दिया HE+, क्या लिख दिया मैंने, HE+, देखना अब लिख लिया होगा ये आपने, अब मैं हाइड्रोजन की जगह लिख रहा हूं HE+, इसको बदल रहा हूं मैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, ठीक है। क्या लिख दिया, HE+ अणु की द्वितीय बोर त्रिज्या है, तो अब आपको पता है R का फॉर्मूला क्या है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन बराबर कितना दे रखा है, दो, तो मैं रख दूंगा दो का स्क्वायर, नीचे क्या रखना था आपको, Z, अब Z बराबर एक रखोगे क्या, ना बाबा ना, क्यों, क्योंकि Z बराबर क्या आ गया भाई आपका, हीलियम, और हीलियम के लिए हमें पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है, दो होता है, तो नीचे हम क्या रख देंगे, दो रख देंगे, तो यहां 0.529 गुणा दो बटे दो, एक दो से एक दो कट गया, तो दो का गुणा कर दो इससे, नौ दो कितना 11, और दो दुनी नौ दुनी 18 की 8, हासिल लगी एक, दो दुनी 4 और एक 5, 5 दुना 10, तो आपका ये आ जाएगा
1.058 एंगस्ट्रम, ठीक है, जब आपको एच ई प्लस के लिए पूछता और इसी की जगह आपको एल आई टू प्लस बोल देता तो, लिथियम प्लस टू बोल देता तो उसमें भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के लिए नीचे जेड बराबर कितना रख देते आप, तीन रख देते, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तीन होता है। समझ गए बात को, इस तरीके से कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं जो आपको पूछा गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जब मैं लिखूं तो थोड़ा वीडियो को रोक के खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है, नहीं आए तो फिर आप इसको सॉल्यूशन को देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जेट 2015, ठीक है, क्वेश्चन देखो, यदि बोर के प्रथम कक्ष की त्रिज्या R1 हो व द्वितीय कक्ष की त्रिज्या, द्वितीय कक्ष की त्रिज्या, द्वितीय नहीं, इसको करो तृतीय, तृतीय कक्ष की त्रिज्या R2 हो तो R1 बटा R2 का मान होगा, R1 बटा R2 का मान होगा, ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, 1/3, 1/9, 3/9, ठीक है, ये ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। अब इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ठीक है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आता है तो व्हाइट बोर्ड पर नजर मार दो। चलिए R1 R2 आपको क्या देखना है, पहले N, N देख लो, तो पहले तो प्रथम कक्ष के लिए दे रखा है आपको R1, तो R1 में तो मैं रख दूंगा N बराबर 1, और R2 के लिए कौन सा दे रखा है, तृतीय कक्ष, तो तृतीय के लिए N बराबर क्या रख दूंगा, 3। चलिए तो मैं R1 ले लेता हूं, पहले तो R1 बटा R2 पूछा है, R1 बटा R2 लिख लेता हूं, R1 के लिए क्या लिखूंगा भाई, R1 के लिए n बराबर 1 लिखूंगा, तो लिख लेता हूं 0.529 इनटू n बराबर कितना है 1 का स्क्वायर, और आपको पता है कोई परमाणु दिया है क्या इसने, अरे बोलो, कोई हाइड्रोजन लिथियम वगैरह कुछ ऐसा कहा है क्या, नहीं कहा ना, तो नहीं कहा तो हम z बराबर कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं z बराबर कितना मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं, चलिए बटे में r2, r2 कितना 0.529 इंटू n, n कितना है r2 के लिए बताओ भाई, r2 के लिए कितना है n, 3, तो n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और नीचे z बराबर 1 रखना है, इससे ये कट जाएगा 529 से, ऊपर क्या आएगा बताओ 1, और नीचे 3 तिया क्या आ जाएगा 9, तो आंसर क्या आएगा आपका 1/9, कौन सा ऑप्शन बोलो भाई, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, तो इस तरीके से अनुपात भी निकलवा सकता है। और क्वेश्चन देता हूं, चलिए लिख लो पहले इसको, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, अब ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं, ये दे रहा हूं मैं आपको आईसीएआर का, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आईसीएआर का, आईसीएआर, और ये पूछा था 2008 में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्ञान लगाओगे तब ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे, क्वेश्चन को समझ गए तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस ऑर्बिट का अर्धव्यास, किस ऑर्बिट का अर्धव्यास, ऑर्बिट इंग्लिश दे दिया ना, तो ऑर्बिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्ष बोल लो, कोश बोल लो, ठीक है ना, ऊर्जा स्तर कुछ भी आप बोल सकते हो, किस ऑर्बिट का अर्धव्यास प्रथम बोर ऑर्बिट के, प्रथम बोर ऑर्बिट के समान होगा, ठीक है, प्रथम बोर ऑर्बिट के समान होगा, पहला ऑप्शन देता हूं आपको, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से, पहला ऑप्शन है एच ई प्लस, एन बराबर दे रखा है इसके लिए 2, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए एल आई टू प्लस, इसके लिए भी एन बराबर दे रखा है 2, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं एल आई टू प्लस वो ही, लेकिन अब n बराबर दे रखा है 3, और चौथा दे रखा है Be3 प्लस, और इसके लिए n बराबर दे रखा है 2, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट पूछ क्या रहा है, ठीक है। देखो
हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्नलिखित में से किस ऑर्बिट का, ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हिंदी में, कक्ष, किस कक्ष का अर्धव्यास, अर्धव्यास, हिंट मिल गई? अरे व्यास क्या होता है आपका, वृत्त का पूरा, ये होता है व्यास। और अर्धव्यास का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, रेडियस, त्रिज्या पूछ रहा है भैया, त्रिज्या का क्वेश्चन मिल गया आपको। तो त्रिज्या प्रथम बोर ऑर्बिट के समान होगी, यानी प्रथम बोर कक्षा के समान आपको त्रिज्या किसमें मिलेगी? तो पहले तो प्रथम कक्षा की क्या निकाल लो, प्रथम कक्षा की त्रिज्या निकाल लो, और फिर ऑप्शन में से मैच कर लो किसके साथ मैच हो रही है, भाई यही तो पूछ रहा है, प्रथम बोर ऑर्बिट के समान होगा। तो पहले प्रथम बोर ऑर्बिट की हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, फिर चारों ऑप्शन में देख लेंगे कौन समान बैठ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर। देखो पहले प्रथम की निकालता हूं, तो R1 बराबर क्या होगा 0.529, आपको पता है हाइड्रोजन दे रखा है N का स्क्वायर, कौन सा, प्रथम बोर ऑर्बिट के लिए, तो N बराबर कितना होगा एक, अब एक का स्क्वायर करूंगा, नीचे आपका Z बराबर भी क्या आएगा एक, भाई हाइड्रोजन है तो Z बराबर क्या आएगा, अब एक का भाग लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं है, एक का गुणा करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं है। तो मेरे लिए प्रथम बोर ऑर्बिट का मान कितना आया बताओ भाई, प्रथम बोर ऑर्बिट का मान कितना आया 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब इसके समान जो आ जाएगा ऑप्शन हो वही मेरा आंसर है। ठीक है, पहले वाले में चेक करूंगा तो देखो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा देखते हैं। चलो पहले वाले के लिए आप देखो थोड़ा सा है ना कॉमन सेंस, आप ऑप्शन काट सकते हो, मुझे n का स्क्वायर करना है, यहां रखूंगा मैं दो का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा चार, चार आएगा, नीचे तो एक ही है, एक का भाग दो या ना दो कोई फर्क नहीं, अब चार का गुणा करूंगा तो मुझे बताओ, चार का गुणा नहीं मुझे तो काट पीट के एक आना चाहिए, अरे भैया जब एक का गुणा करूंगा तभी तो ये आएगा, पांच दोनों आएगा कि नहीं आएगा। नीचे चलता हूं, नीचे भी एन बराबर क्या है दो, अच्छा नीचे क्या है इस ऑप्शन को चेक कर लेता हूं। चलो दूसरे ऑप्शन को देखो 0.529 इंटू दो का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना आएगा दो, तो एक का स्क्वायर है तो मतलब एक दो तो कट जाएगा लेकिन फिर भी एक दो रह जाएगा, तो भी हमारा नहीं, दो का गुणा हो रहा है इसमें, हमको तो एक का गुणा चाहिए। तीसरे को देखता हूं 0.529 इंटू तीन का स्क्वायर बटे नौ, तीन तिया ये तो कितना हो जाएगा नौ, नौ का गुणा हो रहा है, भले ही दो से काट दूं तो अभी 4.5 बच रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता यहां पे, तो बचा कौन सा ऑप्शन नंबर चार, तो यही हमारा सही होगा, चेक भी कर लेते हैं एक बार। चलिए 0.529 इंटू एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर का मतलब दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर कर देते हैं, ये लो दो का स्क्वायर कर दिया। बेरिलियम के लिए Z कितना होता है आप सभी को पता है, बेरिलियम चार नंबर पे आता है तो यहां चार कट दिया। अब आपका दो का स्क्वायर ऊपर दो दूनी कितना होता है चार, और नीचे भी कितना चार, चार से चार कट गया, आएगा क्या एक, एक का गुणा करूंगा इससे पांच दोनों से, एक का गुणा पांच दोनों से करूंगा तो बताओ क्या आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या समान आ गए, क्या आ गए, क्या समान, बिल्कुल समान आ गए, तो ऑप्शन कौन सा होगा डी। समझ गए, बोलो भाई समझ गए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार और करना, एक क्वेश्चन देता हूं कमेंट बॉक्स में करके ही बताओगे। ठीक है, चलिए बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, और ये होमवर्क है करके बताओगे आप इसको। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। अगला क्वेश्चन, सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, मैं आपके लिए हर एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठा के लेके आ रहा हूं। ठीक है ना, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ो, बढ़िया परिणाम लेके आओ, सिलेक्शन लेके आओ, जब सिलेक्शन लेके जब कमेंट करोगे ना वो खुशी एक अलग ही होती है एक टीचर के लिए, है ना। चलिए तो मैं बात करता हूं अब अगले क्वेश्चन की, और ये आईसीआर में पूछा गया है, आईसीएआर 2009। ठीक है, कब पूछा गया, आईसीएआर 2009। क्या क्वेश्चन था लिखना मेरे साथ साथ, एलआई प्लस टू और बीई प्लस थ्री, बेरिलियम प्लस थ्री, सॉरी बी बोरोन दे रखा है, बोरोन प्लस फोर की प्रथम बोर त्रिज्याओं का, प्रथम बोर त्रिज्याओं का, प्रथम बोर त्रिज्याओं का अनुपात होगा, अनुपात होगा प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या, बोर कक्ष त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन हो गया आपका 3:5, ऑप्शन बी हो गया आपका 25:9, सी हो गया 5:3 और डी हो गया 9:25। ठीक है, ये आपको आईसीआर में पूछा गया है, क्वेश्चन लिखो एक बार।
ठीक है, इसको कमेंट करके आप मुझे बताओगे। और अभी बोर मॉडल खत्म नहीं हुआ है, मैं इसका एक पार्ट और बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में कर दूं तो ये वीडियो 2, 2.5, 3 घंटे की हो जाएगी, इसलिए एक पार्ट और बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें हम बोर मॉडल को खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफी, इसका आंसर आप मुझे फटाफट दे दोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।